खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत क्षेत्र के सिंघिया एक पंचायत में भव्य मंदिर का चिन्होद्वार किया गया। सदियों पुराने इतिहासकार स्वामी बाबा हरियानंद तपोभूमि स्थल से विख्यात लगभग 1.5 बीघा से बसे सुंदरा स्थल का चिन्होद्वार समाज सेवियों ने अपने स्तर से पूरा करने का निर्णय लिया है। इतिहासकारों का मानना है कि स्वामी बाबा हरियानंद पूर्व काल में अनेकों युद्ध राजा भंवर से किए थे और विजय हासिल करके सिंघिया का स्थापना किया था, जो आज नगर पंचायत में तब्दील हो गया है। उपरोक्त कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष सिंघिया प्रखंड उप प्रमुख रोशन कुमार सिंह की उपस्थिति में युवाओं की एक टोली राहुल कुमार गिरी, प्रोफेसर सुनील कुमार, अखिलानंद गिरी, मुकेश गिरी, राम प्रखंड गिरी, जवाहर गिरी, सिद्धार्थ गिरी, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, समाज सेवी रत्नेश्वर प्रसाद सिंह के साथ चिन्होद्वार शिलान्यास का कार्य कर संपन्न करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि इस पुनीत काम और ऐतिहासिक धरोहर को नया रूप देने में सबकी सहयोग अपेक्षित है। छोटा सा मंदिर भी था जी। क्या आपका शुभ नाम हो सकता है सर? महानंद गिरी जी। बताया जाए इस संस्था के बारे में। हम लोग अभी उपस्थित हैं बाबा हरियानंद स्वामी तपोभूमि स्थल पर। बाबा हरियानंद स्वामी नाथ यहाँ के सिंघिया के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पर इनके दो शिष्य थे, हरदेव और जयदेव। दोनों शिष्य के द्वारा अन्याय के विरुद्ध यहाँ पर जो है लड़ाई हुआ था भौर राजा के साथ, और उनको परास्त करके पुनर्सिंघिया का स्थापना किया गया था, जिनमें जयदेव 7 गांव यहाँ पे हैं। 7ों गांव ऐसे हैं जैसे सिंघिया, मोरबारा, माहे, लगमा, अग्रौल, बसदेवा, टीहा। इनका यहाँ पर ये जिंदा समाधि लिए थे बाबा हरियानंद स्वामीनाथ, उनके स्थल पर छोटा सा मंदिर भी था। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था, जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, और जन सहयोग से यहाँ पे इनका बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर हम लोग एक उत्सव मना रहे हैं अपने गुरु के प्रति। कितना रकबा में है ये भव्य परिसर? यहाँ 1.5 बीघा 31 कट्ठा के लगभग। क्या शुभ नाम है आपका? सिद्धार्थ गिरी जी। संस्था के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे आप? बाबा हरियानंद स्वामी अपने आप में ही एक इतिहासकार हैं और यहाँ की भूमि उन्हीं की वजह से जानी जाती है, और हमारे समाज का ही ये सहयोग है जो मंदिर का पुनः स्थापना हो रहा है। और सभी से आग्रह है, निवेदन है, सहयोग है, छोटे बड़ों सभी से हाथ जोड़कर है कि सभी बाबा का सहयोग करें, मंदिर बनाने में सहयोग करें। अवसर पर उत्सव मना रहे हैं यहाँ, और यहाँ एक भव्य मंदिर के निर्माण की लोगों ने संकल्प लिया है, और यह जन सहयोग के माध्यम से मंदिर का आप अधूरा रूप देख रहे हैं। कार्य अभी जारी है और श्रद्धालु लोगों से, गुरु के प्रति समर्पित लोगों से हम लोग जन सहयोग की कामना के साथ और उनके सहयोग से ही मंदिर का निर्माण यहाँ तक कर पाए हैं, और आशा है कि लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो यहाँ भव्य मंदिर के रूप में आप अगली बार आएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का स्वरूप लोगों के सहयोग से इससे अच्छे रूप में होगा। आपसे भी सहयोग करेंगे कि आप अपने माध्यम से मंदिर को सहयोग करावें, और सभी लोग लगे हुए हैं इसमें।
क्या शुभ नाम है सर? कामेश्वर प्रसाद सिंह। कामेश्वर बाबू, इस भव्य परिसर के बारे में थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि ये कितना लगभग क्या ईस्वी से रहा होगा ये इस संस्था से जुड़े हुए? ये जो है तो करीब करीब 700-800 साल पहले से यहाँ बाबा थे, अभी तक समाधि है, समाधि लेके गए थे। बगल में कुंड नदी थी, कमला नदी पहले तो बहुत खलखल बह रही थी, लेकिन अभी वह मरणासन में है। 7-8 साल पहले यहीं स्नान करते थे और यहाँ अपना रहते थे। समाज से भी रत्नेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं, बताया जाए थोड़ा इस भव्य मंदिर के प्रांगण के में बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य से यह मंदिर का आयोजन किया जा रहा है और कब से यह संचालित है? तो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं स्वामी हरियाणा महाराज जी समाधि जन्म लिए थे, समाधि स्थल पहले से बना हुआ था जिसको पुनर्निर्माण कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पदाधिकारी हैं, सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये लोग जन सहयोग से मंदिर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और यह एक तीर्थ स्थान के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इस मंदिर का अपना जगह एवं पोखरा भी है, बगल में कमला नदी भी बह रही है, काफ़ी पेड़ पौधा भी है, बहुत अच्छा हुए हैं। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी आए हैं, इस अवसर पर आपको क्या शुभ नाम है सर जी, और अपना परिचय भी देंगे इस भव्य प्रांगण में बैठ करके आप हैं? मेरा नाम भागीरथ झा, वैसे तो मैं जन्म से यहाँ पे सिंघिया में हूँ, उसके बाद कर्म मेरा जो है कर्म भूमि मेरा दिल्ली रहा है, और प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, और यहाँ पे जो है सो मैं अभी लॉकडाउन के सिलसिले में यहाँ पे दिल्ली मेरा जन्म स्थान पर अपना निवास स्थान पर आया हूँ। इस दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण जो हमारे गुरुदेव श्री जवाहर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सिंघिया में जन सहयोग के द्वारा जो है उसमें हमारी भी अपनी योगदान और समय जो है सो उनके श्री चरणों में अपना दे रहा हूँ। क्या बुजुर्गों के दिए हुए तोहफा को आप युवा लोग संभालने का बीड़ा ले लिया है? जी निश्चित रूप से ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि अगर ये हमारे कंधे के ऊपर में अगर दायित्व के रूप में आता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर एस के सुनील कुमार सिंह। थोड़ा अपना विस्तार पूर्वक परिचय दें। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सिंघिया निवासी हैं। तो ये भव्य प्रांगण के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे आप? भव्य प्रांगण तो बहुत पुराना ही है, करीब 700-800 वर्ष पहले से मंदिर बना हुआ था, अभी जो है इसका फिर से मैंने जर्जर स्थिति में मंदिर था, उसके बाद जो फिर पुनर्निर्माण के लिए सब आदमी के सहयोग से यह मंदिर था जो है सो युवाओं ने बुजुर्गों का सर का बीड़ा ले लिया है जी। बता रहे हैं युवा लोग कि हम अपने बुजुर्गों का बीड़ा लेकर के चलेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद ही काफ़ी है जी। तो आशीर्वाद मन से आप लोग युवाओं को दे रखे हैं? युवाओं को जो है सो मन से आशीर्वाद देते हैं और कोशिश करते हैं, चाहते हैं जो कि युवा सब जो है इसको जो है और इस पर इसी को बना भी अच्छे से अच्छे ढंग से, उसमें जितना सहयोग हम लोग को चाहिए उतना सहयोग देंगे।